Welcome to Life Journey and Adventure. Today we are going to focus more on adventure side of this channel. One of you have commented under my video saying that we already know so much about your life story. Why don't you share your experiences? So let's get into it. The twist is, ye video main Hindi mein banane wali hu and I'm really bad at Hindi. Speaking in Hindi, so bear with me, it's been forever I spoke Hindi and you're going to hear a lot of Marathi accent and English mixture with this Hindi video. I remember bachpan mein main jab plane ke paas dekhti thi to sochti thi ki mujhe bhi aisa ek din udna hai. And tabhi doordarshan pe ek series aayi thi, uska naam tha mujhe hai banna air hostess. Tab mere kid ke dimag mein aisa lagta tha ki एयर होस्टेस और पायलट ही बनना पड़ेगा अगर प्लेन में ही रहना है तो. सो 2015 में मुझे एक चांस मिला जहाँ पे मेरा सिलेक्शन यूएस के कॉलेज में हुआ और वही कॉलेज ने मेरा ट्रैवल एक्सपेंसेस किया इंडिया मुंबई एयरपोर्ट टू यूनाइटेड स्टेट्स सेंट लुइस एयरपोर्ट एंड देन आफ्टर दैट टू द स्कूल. आज भी याद आता है मुझे जब पहली बार मैंने प्लेन में जब सफर किया था तब मैं डर के मारे बहुत घबराई हुई थी और मुझे बहुत सारे डर थे. पहला तो अगर मैंने फ्लाइट मिस की तो मेरे पास पैसे नहीं है दूसरी फ्लाइट बुक करने के लिए. एयरपोर्ट पे भी कहाँ जाना है, क्या करना है, पासपोर्ट स्कैन करना है, टिकट्स लेना है, बोर्डिंग पास क्या होता है, ये सब पता नहीं था. तीसरी बात थी अगर मैंने लगेज नहीं लिया, लगेज लेने के लिए कहाँ पे जाना है, कौन से डेस्टिनेशन पे पहले लगेज पिक करना है. फोर्थ, आप लोग चेकिंग पॉइंट से जाते हो ना, तब अगर कुछ हुआ और किसी ने मेरा सामान फेंक दिया बिकॉज इट्स अगेंस्ट द रूल्स और समथिंग लाइक दैट, इफ दैट हैपन देन व्हाट आई एम सपोज टू डू. देन द अदर थिंग वाज वेयर आई वाज लाइक एम आई सेफ इन द प्लेन. फॉर सम रीजन पीपल टॉक टू यू अबाउट प्लेन क्रैशेज जब आप लोग प्लेन में पहली बार सफर करने जाते हो तब. मैं तो होल टाइम सिर्फ प्रेयर ही कर रही थी कि हे भगवान सेफ पहुंचा देना. मुझे एक टाइम तो बहुत भूख भी लगी थी और मेरे पास $40 थे जो मुझे लूसी दीदी ने हाथ पे थमा के दिए थे क्योंकि मेरे पास करेंसी कुछ भी नहीं थी और वो पैसे मुझे इमरजेंसी कॉन्टेक्ट के लिए दिए थे इन केस आई गेट लॉस्ट. बट देन खाना खाने के लिए जाना था तब मैंने ऊपर देखा जब यूएस के एक एयरपोर्ट पे स्टॉप था तब मुझे पता भी नहीं था कि खाना ऑर्डर कैसा करना है. चीजें ऐसी थी कि जिसका मैं प्रोनाउंसिएशन भी कर नहीं सकती थी. सो आई डिसाइडेड नॉट टू ईट एंड सफर विच वॉज वेरी डम क्योंकि एयरपोर्ट पे जो कोई भी लोग होते हैं वो आप लोगों की हेल्प करने के लिए होते हैं पर हम लोग भूल जाते हैं बिकॉज वी डोंट वॉन्ट टू फील एम्बैरेस्ड एंड वी आर अफ्रेड ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स. बट इट्स बेटर अब अगर आप उनसे पूछते हो और वो आपको बताते हैं तो यू आर लेस लाइकली टू मिस योर फ्लाइट बिकॉज यू आर लेट एट द गेट. प्लेन के सफर में सबसे ज्यादा डर आपको लगता है जब प्लेन शुरू होने वाला होता है और लैंड होता है. वेरी सिंपल, दोनों हैंडल पे जो सीट के वहां पे दो हैंडल्स होते हैं रेस्टिंग हैंडल्स उस पे हाथ रखो. पहले तो प्रेयर करना शुरू करो, फिर अपनी आंखें बंद करो, फिर थोड़ी देर के बाद जब आप लोग फील करोगे कि कहीं से भी कुछ भी आवाज नहीं आ रहा है तब फिर छोड़ दो. फिर अगर आपको विंडो सीट मिली है तो विंडो से बाहर देखना मत भूलो. इट फील्स लाइक पैराडाइज. विंडो सीट अगर मिली पहला एडवांटेज वो होता है. दूसरा होता है अगर तुम लोग मेरे जैसे टाइनी हो तो तुम आप लोग सीट पे भी पाव रख के कैसे भी बैठ सकते हो और जो विंडो का साइड होता है उसके ऊपर आपको सपोर्ट मिलता है सो यू आर नॉट अनकंफर्टेबल द होल टाइम यू आर इन प्लेन which is usually 21 to 23 hours, right? London Heathrow Airport पे तो मैं इतना घबरा गई थी क्योंकि वो एयरपोर्ट इतना क्राउडेड था, पता ही नहीं था गेट्स कहाँ जाना है, क्या करना है, कुछ भी पता नहीं था.
मुझे जाने से वक्त पहले हमारे एक माहिर के स्टाफ ने बताया था कि मोस्टली जस्ट फॉलो द पर्पल साइंस एंड देन फॉलो पीपल हु कम. फाइनली मैं जब सेंट लुइस में पहुंची तो हमारे लिए एक बस शटल थी जो वहाँ से 15 मिनट्स वहाँ से 2 आवर्स थी एक सिटी के यहाँ तक. और उधर से हम लोगों को पिक किया था हमारे वेरी डियर फैट किर्बी हु रिप्रेजेंटेड दिस स्कूल इन माई UWC school. And once we saw familiar face, then I took a deep breath and said, okay, I am safe, I'm fine, thank you God for taking care of me. And we were very tired, and then the first thing he did was he took our picture when we were so tired. We looked hilarious. But that was my experience, first time when I was in the plane. So, अगर आपने प्लेन का सफर किया है, आपका सफर कैसा रहा? मुझे बताओ नीचे कमेंट करके. अगर वो अच्छा था तो भी बताओ, बुरा था तो भी बताओ. और तीसरी बात, आपकी हिंदी मेरी जैसी बुरी है तो फिर भी आई नो यू कैन रिलेट टू मी, सो कॉमेंट बिलो.